बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें जो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है वो सब फाइलम क्रस्टेशिया है। लास्ट लेक्चर में हमने क्लास एरेक्निडा को स्टडी किया, आज हम डिस्कशन करेंगे सब फाइलम क्रस्टेशिया पे। तो सब फाइलम क्रस्टेशिया में हम एज एन एग्जाम्पल इसको स्टडी करेंगे, क्रेफिश को, क्रैब को, और उसके अलावा लोबस्टर होंगे। अब क्रेफिश एंड लोबस्टर ऑलमोस्ट दोनों एक दूसरे से सिमिलैरिटीज रखते हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? क्रे फिश जो होती है वो हमारे पास प्रेजेंट होगी फ्रेश वाटर में, उनका हैबिटेट क्या है? फ्रेश वाटर। लेकिन जो लोबस्टर होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? साल्ट वाटर में, फॉर एग्जाम्पल क्या है कि मैरीन वाटर में। क्लियर है? अब सब फाइलम क्रस्टेशिया में हम स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ जनरल करेक्टर्स होंगे, बुक पे मेंशन किए गए हैं। बुक से हट के मैंने अलग से आप लोगों के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। उसमें क्या है कि टू पेयर्स ऑफ एंटीना है, ये वाला एंटीना है, ये वाला, टू पेयर्स ऑफ एंटीना। एक वाहिद सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा में, मतलब कि आर्थ्रोपोडा में जितने भी इन्वर्टिब्रेट होंगे उन इन्वर्टिब्रेट में क्लास ए सब फाइलम क्रस्टेशिया वो वाहिद सब फाइलम है कि जो उस ऑर्गेनिज्म को कंटेन कर रहा है जिनमें टू पेयर्स ऑफ एंटीना होंगे। हर ऑर्गेनिज्म क्या कंटेन करेगा? टू पेयर्स ऑफ एंटीना। अगर हम इसे हट के बात करते हैं तो जो दूसरे आर्थ्रोपोडा में क्लासेस होंगे, सब फाइलम होंगे, तो वो क्या कंटेन करेंगे? वन पेयर ऑफ एंटीना। लेकिन इसमें जनरल करेक्टर्स में आ रहा है कि ये टू पेयर्स ऑफ एंटीना कंटेन करेंगे। एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि वो कौन सा सब फाइलम है जो कि उन ऑर्गेनिज्म को कंटेन करता है जो कि टू पेयर्स ऑफ एंटीना रखते हैं, मतलब कि चार एंटीना एट अ टाइम प्रेजेंट होंगे उनके हेड पे। क्लियर है? एंटीना का रोल क्या है कि मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलस को उसने डिटेक्ट करना होता है। उसके बाद क्या आ रहा है? ये एंटीना है, एंटीना साथ में मैंने मेंशन भी किया हुआ है। उसके बाद क्या है? बॉडी है टू सेगमेंट्स है, सिफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। अब हेड है, उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है थोरेक्स, मतलब हेड और थोरेक्स। हेड का हमने सिफेला कहाँ से पढ़ा है? हमने पढ़ा था कि जो हेड फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं सिफेलाइजेशन। अब हेड और थोरेक्स मतलब क्या है कि सिफेला और थोरेक्स दोनों के मिलने से क्या बना है? सिफेलोथोरेक्स। और नेक्स्ट जो रीजन हमारे पास आ रहा है वो एब्डोमेन है। बॉडी किन दो हिस्सों में डिवाइड हुई है? सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में। उसके बाद फाइव पेयर्स ऑफ लेग्स है, ए वन टू थ्री फोर फाइव, मतलब कि फाइव पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगी। उसके बाद एक्सोस्केलेटन किस चीज से मिलकर बना होता है? कैल्शियम से। नेक्स्ट हेड हैज टू कंपाउंड आईज, हेड रीजन जो ये वाले रीजन हमारे पास, यहाँ पे टू आईज कंपाउंड आईज प्रेजेंट होंगी। माउथ हैज थ्री पार्ट्स। डायग्राम में 205 का एक्सप्लेन भी किया गया है कौन से थ्री बेसिक पार्ट्स होंगे, तो उसमें मैंडिबल होगा, फर्स्ट मैक्सिला होगा, सेकंड मैक्सिला होगा, थ्री माउथ पार्ट होंगे क्लास क्रस्टेशिया में जो इनवर्टिब्रेट होंगे। अब नेक्स्ट पर इसी सब फाइलम की क्लास आ रही है, क्लास लेकोस्ट्रेका। अब इस क्लास में एग्जांपल के तौर पे हम स्टडी करेंगे क्रैब को, लोबस्टर्स को, क्रेफिश को, क्योंकि ये इनवर्टिब्रेट सारे जो है इसमें हमने पहले भी एग्जाम्पल पढ़ा था क्रेफिश और क्रैब है, क्योंकि हम उसी फाइलम को तो स्टडी कर रहे हैं, क्लास उसी फाइलम सब फाइलम की है, तो क्योंकि उस सब फाइलम की क्लास है तो ऑलमोस्ट वही इनवर्टिब्रेट होंगे जो कि हमने वहां पे स्टडी किए हैं। क्लास लेकोस्ट्रेका में सबसे पहले क्या आ रहा है? क्रेफिश एंड लोबस्टर। क्रेफिश एज अ हम एग्जांपल स्टडी करेंगे, उनमें एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक जो इनवर्टिब्रेट को एक्सप्लेन किया गया वो क्या है? क्रेफिश। क्रेफिश कहाँ पे प्रेजेंट होती है? फ्रेश वाटर में। अब बॉडी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, के जो क्रेफिश है उसकी बॉडी टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सब पहला पार्ट है सिफेलोथोरेक्स, सेकंड नंबर पे है एब्डोमेन, पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये वाला और ये, मतलब कि हेड और थोरेक्स के मिलने से सिफेलोथोरेक्स बने, नेक्स्ट एब्डोमेन, मतलब कि टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की गई है। कौन से टू डिफरेंट पार्ट्स है उसमें? सिफेलोथोरेक्स है और एब्डोमेन है। फॉलोइंग पेयर अपेंडिजेस आर प्रेजेंट, इसमें डायग्राम सॉरी 206 पेज पे आप लोग देखें कि अपेंडिजेज है, उसमें एंटीना है, एंटीने के बाद आ रहा है मैंडिबल है, मैगजीला है, मैगजीलीपीड्स है, पेरीपीड्स हैं, पीडियोपोड्स हैं और क्या है? यूरोपोड्स हैं। डायग्राम में उसने एक्सप्लेन किया गया है 205 पेज पे। इस डायग्राम में आप लोग देखें कि उसमें ये वाला जो पार्ट आ रहा है उसने यूरोपोड्स का है, पीडियोपोड्स का है, पेरीपोड्स का है, मैगजीलीपीड्स का है, मैंडिबल है, मैगजीला है, एंटीना है, सारे पार्ट्स को उसने एक्सप्लेन किया है। ये सिफेलोथोरेक्स का है, इस रीजन पे आप लोग देखें कि ये सिफेलोथोरेक्स आ रहा है हमारे पास, यहाँ से मतलब क्या है कि हेड से लेके थोरेक्स तक उस रीजन को सिफेलोथोरेक्स कहा गया है। सिफेलोथोरेक्स के बाद एब्डोमेन है, एब्डोमेन किसको कंटेन कर रहा है? पीलियोपोड्स को और यूरोपोड्स को।
थोरैक्स और हेड किसको कंटेन कर रहा है? पेरियोपोड्स को, मैक्सिलिपिड्स को, मैंडिबल्स को, मैक्सिला को, एंटीना को, ये सारे पार्ट्स आएंगे सिफेलोथोरैक्स पे। अब इनके करेक्टर्स एक्सप्लेन किए गए हैं क्लास ब्लैकोशैका में, जो सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद जो नेक्स्ट उसमें अपेंडिजेस प्रेजेंट होंगे, एंटीना है। एंटीना एज अ सेंसरी रोल प्ले करता है कि जो सेंसरी मतलब कोई रिसेप्टर्स का, कि कोई भी इन्वायरमेंट से आकर एक्सटर्नल स्टिमुलस सप्लाई होता है तो उसके नतीजे में आगे से उसको डिटेक्ट करना है। एंटीना के बाद मैंडिबल है। मैंडिबल का एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है माउथ के साथ, और बेसिकली इसका रोल प्ले क्या होना है कि मैंडिबल वो बेसिकली मतलब कि ऑर्गन होगा इन इन्वर्टिब्रेट में जो कि रोल प्ले करेगा चीविंग का, ग्राइंडिंग का। मतलब क्या है कि जिस भी इन्वर्टिब्रेट को एज अ फीड हासिल किया तो उसको चबाना, उसको ग्राइंडिंग करना बेसिकली अब रोल आ रहा है हमारे पास। एंटीना हो गया हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स का रोल प्ले करेगा। उसके बाद मैंडिबल का आ रहा है। मैंडिबल में बेसिकली क्या होगा कि जिस फूड को उसने, जिस इन्वर्टिब्रेट को उसने इनटेक किया उसकी ग्राइंडिंग करना, उसको चीविंग का प्रोसेस होगा। उसके बाद जो मैक्सिला है, मैक्सिला डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करेगा गिल्स के साथ। गिल्स के साथ इसका कॉन्टैक्ट है तो ये सर्कुलेशन में यूज होगा किसकी, वाटर की। मतलब कि वाटर का इनटेक आ रिमूवल मतलब कि गिल्स के साथ आके अटैच हो रहे हैं, तो डेफिनेटली इसका रोल मैक्सिला का किसके साथ है? अगर ये आके अटैच हो रहे हैं, गिल्स के साथ अटैच है तो वाटर की सर्कुलेशन में बेसिक रोल प्ले करेगा। उसके अलावा नेक्स्ट जो आ रहा है मैक्सिलिपिड्स का आ रहा है। अब मतलब कि फूड को और सेंस मतलब कि कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस अगर अप्लाई हो रहा है या फूड का मतलब कि डिटेक्ट करना है, फूड को हैंडल मतलब कि फूड की मैनेजमेंट और कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस है उनको कौन हैंडल करेगी, मैक्सिलिपिड्स का रोल आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पेरीफिड्स हैं कि पेरीपोड्स हैं कि पेरीपोड्स का बेसिकली रोल प्ले क्या होना है कि लोकोमोशन में, मतलब कि ये वॉकिंग लेग्स होंगी जो कि बेसिकली रोल प्ले करेंगी मूवमेंट में। उसके बाद आ रहा है पीडियोपोड्स का है। पीडियोपोड मतलब कि उस इन्वर्टिब्रेट की स्विमिंग में बेसिक रोल प्ले करेंगी। जो जो हमारे पास पीडियोपोड्स होंगे तो वो बेसिकली क्या रोल प्ले करेंगी कि उस इन्वर्टिब्रेट के स्विमिंग में बेसिकली रोल प्ले करेंगी। और ये यूरोपोड्स है एब्डोमन के लास्ट रीजन पे प्रेजेंट है। इस डायग्राम में भी आप लोग देख सकते हैं कि ये एब्डोमन रीजन है, ये वाला सारा एब्डोमन रीजन है। इस रीजन के बाद ये जो यूरोपोड्स का एरिया आ रहा है मतलब कि एट द एंड लास्ट पे टेल्सन के साथ जो आके अटैच हो रहा है, तो वो क्या कौन सी अपेंडजेज है यूरोपोड्स की। अब जो यूरोपोड्स होंगी बेसिकली क्या है, किस चीज को कंटेन करेंगी, एनल रीजन के साथ जाके अटैच होंगी। अब एक बात दोबारा इनको देख लें कि जो अपेंडजेज इसमें प्रेजेंट होंगी तो उसमें सबसे पहले एंटीना है, मैंडिबल है, मैक्सिला है, मैक्सिला के बाद मैक्सिलिपिड्स हैं, पेरिपोड्स हैं, पीडियोपोड्स हैं और यूरोपोड्स हैं। इनके फंक्शन सारे के मैंडिबल्स का जीविंग में किस तरह बेसिक रोल प्ले कर रहे हैं। उसके बाद मैक्सिलिपिड्स का आ रहा है कि मैक्सिला का बेसिक रोल क्या होगा कि जो वाटर है उसकी, क्योंकि गिल्स के साथ अटैच है तो सर्कुलेशन में बेसिकली इसका रोल आ रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मैक्सिलिपिड्स हैं, तो मैक्सिलिपिड्स का बेसिकली रोल किस तरह मतलब कि वो फूड को डिटेक्ट करने में बेसिक रोल प्ले कर रही है। उसके बाद पेरीपोड्स है कि ये वॉकिंग लेग्स है किस तरह मूवमेंट में बेसिक रोल प्ले करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पीलियोपोड्स क्या है कि ये स्विमिंग में हेल्पफुल होंगी। पीलियोपोड्स के बाद यूरोपोड्स है कि ये टेल्सन रीजन के साथ अटैच होगा, एनल रीजन के साथ अटैच होगा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि न्यूट्रिशन क्या है कि जो क्रे फिश है उसके न्यूट्रिशन में बेसिकली कौन से ऐसे एजेंट हैं जो कि वो एज अ न्यूट्रेटिव एजेंट हासिल करती है उनको। उसमें क्या है कि स्मॉल इन्वर्टिब्रेट होंगे, प्लांट होंगे, स्कैवेंजर होंगे। स्कैवेंजर में क्या आता है कि जो डेड मटीरियल पर डिपेंड करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स होंगे जिनको वो एज अ फीड हासिल कर सकते हैं। उसमें स्मॉल इन्वर्टिब्रेट भी होंगे जो कि इनपुट की फीड के तौर पर यूज होते हैं। अब फोरगट है, मिडगट है, हाइंडगट है, थ्री बेसिक पार्ट्स हैं जो कि रोल प्ले करेंगे न्यूट्रिशन के बाद डाइजेशन में। डाइजेशन का अगर प्रोसेस हो रहा है न्यूट्रिशन में, हम सब सबसे पहले बेसिकली क्या आ रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि उसकी फीड के तौर पे यूज़ होंगी। उसके बाद जिस फूड को हासिल किया डेफिनेटली वो एक्सक्रीशन के बाद डाइजेशन के बाद एक्सक्रीट भी करेंगे। तो अब फोरगट ही बेसिकली वो ऑर्गन होगा, मतलब क्या है कि फोरगट सबसे पहले फोरगट प्रेजेंट होगी जो कि एज अ स्टमक मतलब स्टमक की सूरत में लीड करेगी।
पेज नंबर 208 पे उसने एक्सप्लेन किया है कि न्यूट्रिशन में अगर आप देख रहे हैं तो फोरगट हैज इन लार्ज स्टमक। बेसिकली अगर जिस फूड का मतलब इनटेक किया है तो वो नेक्स्ट जाके, हम लोग पहले भी जानते हैं कि स्टमक में जाके ही फूड की बेसिकली नेक्स्ट जाके ग्राइंडिंग डाइजेशन का प्रोसेस, तो वो किस में होता है जाके, स्टमक में। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो सिक्रीट होंगे, मतलब इसी फोरगट में जाके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो सिक्रीट होंगे, वही फूड जो हमने इनटेक की इसमें मतलब इनटेक का प्रोसेस हुआ था। क्रस्टेशियन में जो डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट को हम स्टडी कर रहे हैं, एज एग्जाम्पल हमने ग्रे फिश को स्टडी किया, तो सबसे पहले क्या है कि फोरगट आ रही है, तो फोरगट में बेसिकली क्या होगा कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो रिलीज होंगे, और रिलीज के बाद क्या है कि वो फूड जिसको इनटेक किया था वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब वही फूड जो हमने इनटेक की थी वो स्टमक में जाके ग्राइंडिंग का प्रोसेस हुआ है। अब नेक्स्ट उसके क्या आ रहे हैं, जो मिड नेक्स्ट इसमें फोरगट थी वो कहाँ पे जाके, मतलब कि नेक्स्ट रीजन हमारे पास मिडगट आ रहा है, तो मिडगट किसके साथ अटैक है, या मतलब कौन सा बेसिक पार्ट आ रहा है उसमें, तो वो इंटेस्टाइन होगी। इंटेस्टाइन के बाद नेक्स्ट जो मतलब कि जिस फूड को इनटेक किया गया था उसमें एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए बेसिकली, तो वो क्या नेक्स्ट रीजन जो हमारे पास आ रहा है वो हाइंड गट होगी, कि उसमें मतलब कि जितने भी हमने फूड में एज अ मतलब न्यूट्रिटिव एजेंट हासिल किए थे, तो उनकी डाइजेशन के जो स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, उसके बाद क्या है कि फोरगट के बाद नेक्स्ट जो मिड गट आ रही है, तो स्टमक लीड कर रहा है नेक्स्ट इंटेस्टाइन को डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद, और वही फूड जो इनटेक की गई थी वो हाइंड गट से, जो हाइंड गट है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, डायरेक्टली अटैक कह लें कि जब डायरेक्टली पार्ट है किसका, एनल रीजन का, तो एनस का एनल रीजन ही वो बेसिकली ऑर्गन होगा जो कि एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा, कि जिस फूड को इनटेक किया गया था वो एनल रीजन हाइंड गट से होके एनल के जरिए रिमूव कर दी जाएगी एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यही आज का हमारा टॉपिक था। इसमें प्राइमरी एक अलग से मैंने लिखा था कि प्राइमरी एंडिना सेकेंडरी एंडिना, मतलब क्या है कि हेड रीजन पे अटैक होगा, मतलब कि फर्स्ट सेगमेंट के साथ अटैच होगा, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एंडिना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टू पेयर ऑफ एंटीना प्रेजेंट है, तो उसको प्राइमरी एंटीना सेकेंडरी एंटीना भी कहा जाता है। तो ये वाला एंटीना जो हमारे पास होगा ये प्राइमरी में आएगा, ये नेक्स्ट वाला आ रहा है ये हमारे पास सेकेंडरी में होगा। तो जो फर्स्ट सेगमेंट के साथ एंटीना अटैच होगा, तो उसको हम कहेंगे प्राइमरी एंटीना, हेड के जो हेड के बाद नेक्स्ट सेगमेंट के साथ एंटीना अटैच होगा तो उसको हम कहेंगे सेकेंडरी एंटीना। जनरल वे में एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट पॉइंट्स के तौर पे मैंने अलग से पॉइंट बना के लिखे हैं, इसमें आप लोग इन्हीं पॉइंट पे फोकस करें तो इंशाल्लाह हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा थ्योरेटिकल कह लें कि या कंसेप्चुअल या बहुत साइंटिफिक वे में एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिंपल पॉइंट्स हैं। आप लोगों ने इसके जनरल करेक्टर्स, सबसे पहले क्लास क्रस्टेशिया, सॉरी सब फाइलम क्रस्टेशिया जिसको हमने स्टडी किया, तो उसके डिफरेंट करेक्टर्स कौन से हैं, करेक्टर्स का पता होना चाहिए। टू पेयर्स ऑफ एंटीना दोबारा बता रहा हूँ, एटलीस्ट आप लोगों को इतना माइंड में होना चाहिए कि कौन सा सब फाइलम है जो कि टू पेयर्स ऑफ एंटीना को कंटेन कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी इन्वर्टिब्रेट को स्टडी किया है, उसके बाद क्लास मैक्रोस्ट्रेका आ रही है, तो उसमें एग्जाम्पल के तौर पे हमने किन इन्वर्टिब्रेट को मैंशन किया है। नेक्स्ट उसी में से एक इन्वर्टिब्रेट को नेम एज ग्रे फिश, उसको एग्जाम्पल के तौर पर हमने स्टडी किया है कि उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स कौन थे, कौन से हैं, कौन कौन सी बेंचेस प्रेजेंट है, न्यूट्रिशन किस तरह हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आए उसमें कि रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, नर्वस सिस्टम है, रिप्रोडक्शन होगा सारा, तो वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का जो टॉपिक था हमारा कि क्लास सब फाइलम क्रस्टेशिया, उसके अलावा क्लास मैक्रोस्ट्रेका, वो हाफ हमारा हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट इसका रिमेनिंग पार्ट है वो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम करेंगे। इस लेक्चर में अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।